हर रोज की तरह मैं घर से निकली ऑफिस के लिए। कुछ काम होने की वजह से उस दिन दोपहर हो गई थी निकलते निकलते। फोन पर बॉस की डांट भी अच्छे से खा ली थी मैंने। करीब पिछले एक हफ्ते से स्कूटी में कोई ना कोई दिक्कत बनी ही हुई थी। रास्ते में एक बार इसका बंद पड़ना तो पक्का था, पर वक्त ही नहीं मिला कि रिपेयर करा पाती। और ये लो आज फिर कम से कम आज तो साथ दे देती यार। एक तो ऑफिस जाने की जल्दी, ऊपर से ये मुझे लगा जैसे रोज थोड़ी बहुत देर में स्टार्ट हो जाती है, हो जाएगी, पर उस दिन तो ये शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रही थी और ऑफिस अभी काफी दूर था। तभी मुझे ध्यान आया कि एक शॉर्टकट रास्ता था पास में ही, जहाँ से मैं अमूमन जाया नहीं करती थी क्योंकि वो काफ़ी सुनसान रहता था। मैं उस दूसरे रास्ते तक स्कूटी घसीट के ले आई और साइड में खड़ी कर दी। मंजिल तक जल्दी पहुँचने के लिए हम अक्सर शॉर्टकट ले लिया करते हैं। सोचा कि बस थोड़ा सा ही तो चलना है और मैं ऑफिस पहुँच जाऊँगी। पर ना जाने क्यों एक नया रास्ता होने की वजह से एक अजीब सा डर था मन में। लगा जैसे कोई पीछा कर रहा है। मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। एक घबराहट सी हो रही थी। और जब मैंने दोबारा मुड़कर देखा तो एक आदमी, इस रास्ते पर तो कभी कोई नहीं होता पर शायद कोई राहगीर होगा, मेरे मन में आया। पर कुछ आगे चलने पर मैंने नोटिस किया कि वो मुझे फॉलो कर रहा था। मैं लेफ्ट जाती तो वो लेफ्ट, राइट तो राइट। पता नहीं डर और गुस्सा एक साथ मुझ पर हावी होने लगे। एक पल तो मनाया कि रुक कर पूछूं कि आखिर क्या चाहिए, पर वो मेरी तरफ बढ़ा तो मैंने भागना शुरू कर दिया। गुस्सा आ रहा था कि आखिर क्यों मैंने आज ये शॉर्टकट लिया। मैं खुद को संभाल ना पाई और गिर पड़ी। जब मैंने मुड़कर देखा तो कोई नहीं, सड़क पर कोई भी नहीं था। वो ऐसे गायब हुआ जैसे कोई साया, पूरी सड़क खाली थी। मैंने चैन की सांस ली और दो घूंट पानी पिया। जब मैं उठने ही वाली थी तो एहसास हुआ कि एक साया है, और पलट कर देखा तो वही आदमी पत्थर लेकर और मुझे एहसास हुआ कि इट वॉज अ नाइटमेयर। हाँ।